उससे पहले में एटीपी कोऑपरेटिव सोसाइटी का बहुत ही छोटा सा टैक्सेशन है, एटीपी में डिडक्शन मिलता है बेसिकली, जो मैंने डिडक्शन के टाइम बोला था कि मैं अभी आगे कराता हूँ, तो पहले ये कर लेते हैं। एटीपी में आपको क्या मिलेगा? डिडक्शन मिलेगा। किसमें डिडक्शन मिलेगा? एक सेकेंड, कोऑपरेटिव सोसाइटी की कोई इनकम होगी तो आपको क्या मिलेगा? डिडक्शन मिलेगा। सबसे पहले देखो, दो तरीके के डिडक्शन है, एक है जनरल डिडक्शन। जनरल डिडक्शन का मतलब क्या, हर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को ये वाले डिडक्शन तो मिलेंगे ही मिलेंगे। स्पेसिफिक डिडक्शन का मतलब क्या है कि अगर ये सब चीजों से इनकम होती है तो ये इनकम के ऊपर आपको क्या मिलेगा? डिडक्शन मिलेगा। जनरल डिडक्शन में सबसे पहले कोई कंज्यूमर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, कौन सी सोसाइटी है? कंज्यूमर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, तो आपको डिडक्शन बेसिकली मिलेगा 1 लाख रुपए का। मतलब अगर आपकी इनकम है 5 लाख रुपए की, तो सीधा अगर आप कंज्यूमर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी हो तो 1 लाख का डिडक्शन मिल जाएगा सीधा सीधा। बट आप कंज्यूमर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी नहीं हो, सर पता कैसे चलेगा? क्वेश्चन में आएगा। अगर अदर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी हो तो आपको डिडक्शन मिलेगा 1 लाख नहीं 50 हजार रुपए का। तो ये तो बात हो गई जनरल डिडक्शन की। अभी बात करते हैं स्पेसिफिक डिडक्शन की। स्पेसिफिक डिडक्शन का मतलब क्या होता है? सी एम एफ का मेल आया। अभी आपको यहाँ पे जो इंटरप्रेट करना है कर लो, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। सी एम एफ का आपको क्या आया? मेल आया। सी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले क्रेडिट फैसिलिटी। आप क्या कर रहे हो? क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हो अपने मेंबर को, और वो क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करोगे तो उसके ऊपर इंटरेस्ट वगैरह भी चार्ज करोगे, तो वो इनकम। सी, दूसरा सी, पहला सी, दूसरा सी, तीसरा सी, तीन सी है। दूसरा सी है कॉटेज इंडस्ट्री। अगर आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी का कोई कॉटेज इंडस्ट्री, उससे कोई इनकम आ रहा है। सी नेक्स्ट सी यानी कलेक्टिव डिस्पोजल ऑफ लेबर, आप लेबर का डिस्पोजल कर, उससे कोई इनकम आ रहा है बेसिकली। सी यानी क्रेडिट फैसिलिटी, सी यानी कॉटेज इंडस्ट्री, सी यानी कलेक्टिव डिस्पोजल ऑफ लेबर, पहला तीन सी हो गया। फिर नेक्स्ट एम एफ। एम यानी क्या है? आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का क्या कर रहे हो? मार्केटिंग कर रहे हो और उसकी वजह से आपको पैसा आ रहा है। एफ का मतलब क्या है? आप क्या कर रहे हो? फिशिंग एक्टिविटी में या उसके अलाइड एक्टिविटी जो भी है उससे कुछ पैसा कमा रहे हो, तो वो आ गया। नेक्स्ट एम ए आई एल। एम यानी क्या है? आप सप्लाई कर रहे हो किसका? मिल्क का, दूध का, ऑयल सीड्स का, फ्रूट का, ये सब वेजिटेबल्स का, ये सब चीज का सप्लाई कर रहे हो किसको? गवर्नमेंट को या लोकल अथॉरिटी को या कोई फेडरल कोऑपरेटिव सोसाइटी को या फिर गवर्नमेंट को कर रहे हो, करेक्ट है? तो ये केस में जो आपको इनकम आएगा उसके ऊपर आपको डिडक्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट है आप एग्रीकल्चर आर्टिकल को क्या कर रहे हो? खरीद रहे हो, परचेस कर रहे हो, तो उसके ऊपर डिडक्शन बेसिकली आपको खरीद के बेसिकली आगे बेचोगे या जो एग्रीकल्चर के रिलेटेड करते हो तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। फिर क्या करते हो? प्रोसेसिंग विदाउट एड ऑफ पावर, इसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन में पूछेगा प्रोसेसिंग आप कर रहे हो विद एड ऑफ पावर। एड ऑफ पावर क्या? सपोर्ट, पावर के सपोर्ट के साथ, मतलब गवर्नमेंट के सपोर्ट के साथ। बट विदाउट एड ऑफ पावर अगर कर रहे हो तो डिडक्शन मिलेगा, विद एड ऑफ पावर करोगे तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर आप कोई और कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करते हो तो डिडक्शन मिल जाएगा, या फिर आप लेटिंग आउट करते हो गोडाउन को या वेयर हाउस को, मतलब भाड़े पे देते हो, तो उसमें जो रेंट का इनकम आएगा उसके ऊपर भी आपको क्या मिल जाएगा? डिडक्शन मिल जाएगा अंडर आपका जो एटीपी है उसमें। यहाँ पे एग्जैक्ट जितना अमाउंट का इनकम है पूरा डिडक्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको जनरल डिडक्शन तो सबको मिलेगा, करेक्ट है? फिर टैक्स रेट क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटी का? पहले 10,000 रुपए पे 10%, नेक्स्ट 10,000 रुपए पे 20%, फिर बैलेंस पे कितना? 30%। समझो कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी का इनकम नेट आफ्टर डिडक्शन मिनिमम पकड़ते 3 लाख रुपया हो गया, 3 लाख रुपीज हो गया, तो इसके ऊपर टैक्स कितना होगा सर? फर्स्ट 10% पे 1,000 रुपीज, नेक्स्ट 10,000 पे कितना? 2,000 रुपीज, नेक्स्ट 2,80,000 पे सीधा 30% टैक्स होगा भाई। 2,80,000 पे 30% टैक्स विल बी 84,000 रुपीज। तो 86,000, 87,000 तो आपका क्या आ गया? टैक्स आ गया। 87,000 के ऊपर आपका 4% सेस, तो टोटल करते हैं 90,000 प्लस 480, 90,480 का टैक्स आ रहा है ऑन द इनकम ऑफ 3 लाख। सिर्फ 3 लाख रुपया कमाया है मैंने, उसमें 1 लाख के लगभग आप मेरे को टैक्स भरवा रहे हो, तो ये क्या मेरे साथ ज्यादती नहीं हो रही सर? बिल्कुल ज्यादती हो रही है। तो उसके लिए नया टैक्स रेट लेके आया गया। या तो आप वो वाला ले लो या फिर आप ये वाला ले लो। ये क्या है? न्यू टैक्स रिजिम, जैसे 115 BAC लेके आया गया है नॉर्मल लोगों के लिए, 115 BAD लेके आया गया है कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए। क्या बोला है? सिर्फ रेजिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो इंडिया के रेजिडेंट है, सिर्फ उनको बेनिफिट देना है। न्यू ऑप्शनल टैक्स स्कीम है, किसके लिए है? कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए है, 115 BAD में। आप क्या करो, सिंपल सा जो इनकम आ रहा है उसके ऊपर 20% टैक्स ले लो, 10% सरचार्ज ले लो और 4% सेस ले लो, कंपलसरी सरचार्ज है। 22% प्लस 10% प्लस 4% कर लो, प्लस 10% प्लस 4%, कुछ 25.168% आ रहा है। ये क्या कर दो, इतना टैक्स भर दो, आपको हम छोड़ देंगे। पर आपको ये बेनिफिट मिल रहा है तो ये बेनिफिट के सामने बहुत सारे खर्चों का डिडक्शन नहीं मिलेगा। जैसे कि एक सेकेंड, क्या चालू हो गया भाई? ठीक है,
जैसे कि कौन से खर्चों का डिडक्शन नहीं मिलेगा, खर्चों का या कोई पहले डिडक्शन एग्जम्पशन मिल रहे थे अभी वो नहीं मिलेंगे। सबसे पहले आपको SEZ वाला नहीं मिलेगा, 10AA में आपको फर्स्ट फाइव ईयर 100% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट, फिर 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट, फिर 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट और स्पेशल री इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व में जो पैसा ट्रांसफर करते हो, विच एवर इज लोअर, जो आपको डिडक्शन मिलता था वो अभी नहीं मिलेगा। एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट अभी नहीं मिलेगा। जो 33AB और 33ABA का PGBP पे डिडक्शन मिलता था वो अभी नहीं मिलेगा। 35 में जो रिसर्च एक्सपेंस का जो 100% अभी हो गया ना, पहले 150% था, अभी हर जगह 100% है, उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। आपको 35AD वो 14 बिजनेस का डिडक्शन नहीं मिलेगा। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोग्राम पहले 150 था, अभी 100 हो गया, इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। 80C से लेके 80U तक जितने भी डिडक्शन आते हैं तो कोई डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, मतलब 80P भी शायद नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा। पर 80JAA जो है वो मिलेगा। 80JAA बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह आ रहा है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 80JAA क्या है? आप नए नए लोगों को भर्ती करते हो, उसके रिलेटेड जो आप एम्प्लॉयमेंट का रेम्यूनरेशन वगैरह देते हो उसके रिलेटेड, वो अच्छे से सेक्शन 80JAA करके जाना, भाई इंपॉर्टेंट है। फिर आपको कोई पुराना लॉस आ रहा है या पुराना जो कैरी फॉरवर्ड हुआ था लॉस वगैरह, वो अगर आ रहा है तो उसको सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड भी नहीं करने देंगे। बेसिकली कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ नहीं करने देंगे अगर वो जो पुराना लॉस या पुराना जो भी अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन था इनकी वजह से था। ये जो ऊपर वाले एक्सपेंस वगैरह जो भी डिडक्शन दिख रहे हैं ना, इनकी वजह से अगर था तो नहीं मिलेगा। इसके अलावा कोई रहेगा तो हम सेट ऑफ करने देंगे, कोई तकलीफ की बात नहीं है। ठीक है, बस इतना सा है। होप सो क्लियर है, क्लियर है तो थम्सअप करो, लाइक बताओ। भाई मेहनत किया है, ऐसे ही ये नहीं बना, ये मेरे CA फाइनल के टाइम के नोट्स है, तो अभी मैंने जस्ट इसको टाइप किया है, ये सब बनाने में बहुत टाइम लगा था भाई। ठीक है, ये होप सो क्लियर है कोऑपरेटिव सोसाइटी का। अभी आपको मैट मिल जाएगा, उसके बाद ये फर्स्ट